राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। एक ऐसी ही घटना मंगोलपुरी थाना इलाके के वेस्ट इनक्लेव से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार के कहर ने दो युवकों की जीवन लीला छीन ली। दरअसल बाहरी दिल्ली के रिंग रोड स्थित वेस्ट इनक्लेव के पास बुधवार सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस घटना में सड़क से गुजरे दो स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक एक पिकअप वैन मधुबन चौक से पीरागढ़ी की तरफ आ रही थी। इस दौरान जैसे ही पिकअप वैन मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास पहुंची, ठीक उसी दौरान वहां से एक स्कूटी पर सवार दो शख्स यू टर्न ले रहे थे, तो पिकअप वैन ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार दोनों युवक दूर जाकर गिरे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में दोनों को पास के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हिमांशु और प्रियांशु उर्फ प्रथम के रूप में हुई है। ये दोनों ही सुल्तानपुरी के रहने वाले थे। आपको क्या पता ये पता चला कि बाइक और बोलेरो में दोनों में टक्कर भई है आपस में, बस इतना मालूम हुआ हमारे को, और हमने देखा नहीं है। मतलब उसमें कोई एक्सपायर वगैरह भी हो गए? पता लगा दो आदमी खत्म भाई, ये पता चला है। कितने बजे की घटना बताई? साढ़े छः, साढ़े छः बजे की। स्कूटी पे यू टर्न कर रहे थे बंदे, तो हाँ हमें तो आज ही महिंद्रा पिकअप लोडिंग वाली उन्हें टक्कर मारी है। अच्छा। टक्कर मारते जो है दोनों बंदे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, और गाड़ी वाले का सीधा वगैरह वहीं पे पड़ा हुआ है। वहीं पड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पे यहाँ के बंदों ने बताया मुझे। अच्छा अच्छा। उसका इतना मुझे पता नहीं है, बाकी है कानून में जो बात आई थी मैंने बता दी, और ये पुल के नीचे की बात है, यहीं पर हुआ ये। जो ड्राइवर था पिकअप वैन का जिसने टक्कर मारी, वो भाग गया था या फिर वो भाग गया? भाग गया है। हाँ। तो भाई सुबह 7 बजे फोन आया था कि गाड़ी से लड़कों को उड़ा दिया है। अच्छा। पूरी थाने में बुलाया था। अच्छा। इसका नाम प्रियांशु है, उसकी उम्र 18 साल है। अच्छा। और एक नाम मोंटी है, उसकी भी 18 साल उम्र है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि मंगोलपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही पुलिस टीम आरोपी चालक की तलाश में भी जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।